हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो, खुश हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और पूरी सर्दी का ना ठंडे का पूरा आनंद ले रहे हो, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा। तो धूप अभी निकली नहीं है, मतलब कोहरा तो नहीं है लेकिन ठंड है, पारा से सर ठीक सा होता है ना, वो है अभी। और देखिए मेरे बेड की हालत, मतलब अभी कुछ भी साफ सफाई मैंने डस्टिंग वगैरह शुरू नहीं करी, अब करूँगी। सारे कपड़े इकट्ठे कर लिए हैं, कुछ कल के हैं ये और कुछ जो पहले दिन के हैं, तारों में फैले हुए थे वे सारे उठा के ले आई मैं, तो इन सब की भी तह बना बना कर रखूँगी। और सॉक्स वगैरह बहुत सारी हो रही है, इन सब को लपेट कर रखूँगी। तो सबसे पहले इनकी बस तह बनाना शुरू करती हूँ। सॉक्स ना बहुत सारी हो रही फ्रेंड, और फ्रेंड सॉक्स ना मैं ऐसे नहीं रखने की, मतलब क्या है इन्हें एक जगह लपेट कर रख देना दोनों को ही, तो फिर खूने का बेटा लगता है, फिर जब हमें ढूंढनी हो ना तो दोनों एक साथ ही मिल जाती है। तो मैं ऐसे करती हूँ, मैं सबसे आसान तरीका है ये, एक दूसरे से अलग नहीं होंगे, जुदा नहीं होंगे, एक साथ रहेंगे, तो जब भी हमें ज़रूरत होगी दोनों एक साथ ही मिल जाएंगे ऐसे करके। और ऐसे तो इनका इस तरह से बना कर रख लो, तो ये फिर जो है खूने का डर नहीं है इनका, ये हमें दोनों फिर एक जगह मिल जाएगी आसानी से। ऐसे करो, एक हिस्सा लेकर के उसी में ये पूरे सॉक्स जो है घुमा करके रख दो, ये इस तरह से, ये जब भी हमें ज़रूरत होगी तो दोनों ऐसे करके आराम से मिल जाएगी। तो फ्रेंड ये हो गई हमारे सारी सॉक्स, सारी एक जगह होगी इकट्ठी, जब भी जरूरत होती है तो हम आराम से इसमें लगा दूंगी और इसमें से उठाते रहती हूँ। अब अपना बाकी कपड़ों की तह करते हैं अभी। सारे कपड़ों की जो है मैंने निकाल करके सारे अलमारी में से सबकी तह बना दी है, तो अब मैं इनको दोबारा से सारों को लगाऊंगी। और ये कुछ कपड़े हैं फ्रेंड, ये वंश की जो हाफ टी शर्ट है, ये अभी भी एक दो तीन इसमें रखी हुई थी, कुछ नए कपड़े भी थे वो भी आज मैंने सारे निकाल दिए, क्योंकि अब ना अलमारी में इतने कपड़े हो रहे हैं गर्म कपड़े की वजह से ना, इनमें होश ही नहीं बन रहा बिल्कुल भी, मतलब मैं तह करके रखूँ तो पता भी नहीं चलता कि हाँ कौन से कपड़े पहनने के कौन से नहीं। तो आज मैंने सारे निकाल दिए हैं और अभी जो है अलमारी कर दी है बिल्कुल खाली, तो इसको एक बार कपड़ा मार के साफ़ कर लेती हूँ मैं और फिर दोबारा से जो है सारे कपड़े इसी में लगा दूँगी। तो देखिए फ्रेंड, सारे मैंने अपने अलमारी में जो है कपड़े लगा दिए हैं, इन दो पार्ट में जो है ये वंश के कपड़े हो गए हैं, ये मेरे हो गए हैं, और सबसे उधर जो है मेरे सोल स्टॉल वगैरह वो हो गए हैं। तो बस आज अलमारी मैंने बिल्कुल अपनी साफ़ कर दी है और सभी कपड़ों की जो है तह बना दी है। वंश के पापा के थोड़े कपड़े होते हैं वो अपना ऊपर आराम से आ जाते हैं, क्योंकि उनके तीनों जोड़ी ही कपड़े होते हैं, तो बस उनके ऊपर आ गए हैं सारे कपड़े, बाकी हमारे सबके जो है नीचे आ गए हैं। तो बस, और फ्रेंड कपड़े जो है हमने सारे अपने इकट्ठे करके तह बना करके सब अलमारी में लगा दिए हैं, और देखती हूँ शाम के तक के टाइम जो मुझे टाइम मिला तो प्रेस भी कर दूँगी कुछ पे, और जो नहीं मिला तो फिर देखे हैं कल प्रेस का काम। और बस बाकी जो है अपनी जितने ब्लैंकेट हैं उन सबको झाड़ झूड़ के बिछा देंगे, सबकी तह बना करके रख देंगे, और जो अपने झाड़ा पुच्छी का काम है थोड़ा सा वो भी कर लूँगी। झाड़ू मैंने ले ली है, अभी लगाते हैं सारे में झाड़ू। सुबह की झाड़ू हमारी लग चुकी थी, सुबह ना थोड़ी जल्दी झाड़ू लगा दी थी, लेकिन वही है ना दो तीन बार दिन में झाड़ू लगी जाती है एक टाइम, अब जब पोछा लगाने से पहले लगाऊंगी मैं तो अभी लगा रही हूँ, और एक बार जो है शाम के टाइम भी लग जाती है, क्योंकि फ्रेंड जब धूप निकलती है ना तो तब तो ये है सभी धूप में बैठ जाते हैं तो कमरों में इतना घुसा भी नहीं जाता,
लेकिन जब धूप नहीं निकलती ना तो पूरा दिन ना कमरों में ही निकल जाता है हमारा। निकल बढ़ के कुछ भी हो, जल्दी जल्दी अपना खाना पीना भी कमरों में ही अंदर ही, और जो है बेड पे भी पूरा दिन ना बेड पे, खाटों पे, इन पे ही हो जाता है, क्योंकि बाहर भी निकल के कहाँ जाएंगे, हवा इतनी ठंडी चल रही है और धूप नहीं है। धूप होती है तो फिर तो आराम मिल जाता है, फिर तो अपना यह है सभी धूप में बैठ जाते हैं खाट बिछा बिछा करके, तो अंदर नहीं इतना घुसा जाता। तो बस अभी मैंने जो है पूरे उसमें लगा दी है झाड़ू, और झाड़ू सुबह की झाड़ू तो थोड़ी सी ऐसी आगे आगे लग जाती है, लेकिन अभी जो मैं दोबारा से झाड़ू लगा रही हूँ ना, पूरे अच्छे से झाड़ू लगा के लेके आऊँगी, क्योंकि जो बेड बेड उड़ के नीचे है, और जितनी जो मैंने अलमारी वगैरह साफ़ करी है उसमें से धूल थाल कुछ कुछ होगी, तो वो सब जो है अच्छे से दोबारा से झाड़ू लगा के तभी साफ़ होगा। फ्रेंड सभी जगह जो है झाड़ू लग चुकी है, बस अभी ले लिया है मैंने पोछा, और पोछा फ्रेंड कल नहीं लगा था, लेकिन कल भी ऐसा ही हो रहा था, मौसम तो आज भी ऐसा ही है, लेकिन क्या करें, जब 2-3 दिन हो जाते हैं ना तो पोछा का मन करता ही है, क्योंकि मौसम का तो कुछ वो नहीं है, हो सकता है 10 दिन ना खुले, 15 दिन ना खुले, क्योंकि सर्दी की मौसम है ये, लास्ट की दिसंबर और जनवरी का महीना तो देखिए ठंड में ही गुजरना है, तो कभी धूप निकल भी जाती है कभी नहीं, तो इसके ऊपर तो वो नहीं होता, लेकिन पोछा तो 1-2 दिन में तो फिर नंबर आ ही जाता है। तो बस अभी मैं लगा रही हूँ सारे में पोछा, और मम्मी यार अभी अपने रूम में बैठे हुए हैं, वे कोई भी बाहर नहीं आए, ना वंश अपने अंशु भी, वे भी सब इधर उधर ही है फ्रेंड, और सब जगह पोछा लग जाएगा, दोनों कमरों में, बाहर भी, हॉल में भी, बैठक सॉरी किचन में अभी लगेगा, किचन में जब सारा काम जो है हमारा निपट जाएगा तब किचन में लगाएंगे, और फ्रेंड मम्मी वाला रूम रह जाएगा, क्योंकि उसमें ना अभी गेट तक बिल्कुल खाट हो रही है, वहाँ पर ना पोछा लगाने की कहीं भी जगह नहीं है, तो जब धूप निकल जाएगी उनकी खाट उठ जाएगी, वहाँ से बिस्तर वगैरह हट जाएंगे, तब उसमें पोछा लगेगा, झाड़ू लगेगी। झाड़ू एक बार तो उसमें लगा दी थी, लेकिन दूसरी झाड़ू नहीं लगी अभी, क्योंकि जब पोछे का टाइम होगा तभी लगाएंगे उसमें। तो बस मैंने यहाँ सारे में जो है अपना पोछा लगा दिया है, और फ्रेंड अपने सारा काम जो है निपटा लिया, हमारा साफ़ सफाई का भी हो चुका है, कपड़ों का भी हो चुका है, और हमारा जो है अपना खाने पीने का काम भी सभी निपट चुका है। और फ्रेंड आज हमें ना अपनी जो किचन है इसमें कलर करना है, लेकिन काफ़ी दिनों से सोच रहे हैं, लेकिन मौसम की वजह से ना बार बार रह जा, और आज ना बच्चे यहीं पे हैं, तो बच्चों को थोड़ा सा उमहासा होता है इस चीज़ का कि ये काम तो हम करेंगे। तो बस वंश और प्रियांशु दोनों मेरे साथ लग चुके हैं, तो अभी बस मैं कर रही हूँ सारी ये। वंश भी ना पहले जो हमारे स्लेब का जो नीचे का हिस्सा है उसमें ज़्यादा वो हो रहा है, तो उसे ना अंदर से पहले तो ये जहाँ जहाँ से ख़राब हो रहा है सारा रंग हटाएंगे, कुछ जगह ना सिलन आ रही है, तो उसकी वजह से ना पपड़ी सी बन रही है, उतर रहा है वो रंग, तो बस उसे एक पत्ती ली हुई है उससे पहले तो अच्छे से साफ़ कर लेंगे, फिर उसके बाद उस पर यही ग्रीन वाला पेंट दोबारा से करेंगे। इधर टीवी के पास ना यहाँ का भी सारा रंग उतर रहा था, लेकिन ये ऑरेंज कलर हमारे पास रखा हुआ था, तो आज हमारे एक पेंटर ने तो ये कर दिया, और अभी हम चलेंगे रसोई में वहाँ भी करेंगे। वो मैंने सारी खुरच दी, वो काला काला सा और दो ना खुरच दिया, और अभी से जाली को वो करने से पहले कूड़ा साफ करिए, यहाँ से हो गया देखिए, यहाँ तो फ्रेंड ये तो हो गया, अब चल रहे किचन में, अब मम्मी बैठी हमारी अभी बिस्तर में, अब क्या करूँ, मम्मी कहाँ जा अब क्या रहा, तुम तो अपना काम कर रही, अब मेरे बस की कुछ करना, मम्मी मम्मी हमें देखो जा, हमें बताओ जा, देखो जाओ भाई, यो कर लो, ऐसा कर लो, बस और क्या करूं, पर ये आया दोनों ने बिस्तर छोड़ दिया रंग के चक्कर में, अन्य दोनों कपड़ों में पड़े थे, हाँ इन बाल को ना, हाँ अन्य ना छोड़ने थे, ये ना छोड़ने थे। ओ फ्रेंड सारी पपड़ी सी जो है हमने जितनी उतर सकती थी वो सारी हमने उतार दी है, बस अभी मैं ये सारा ना इकट्ठा करके लेके चले जाऊंगे, फिर उसके बाद पेंट करेंगे, क्योंकि फिर ये जो गिल्ला सा हो गया ना तो फिर ये सभी फर्श पे चिपट जाएगा, तो बस अभी ये कर लेते हैं, और फ्रेंड एक दिन का काम इसमें और रह जाएगा, क्योंकि इसकी जो साइड साइड में जितना भी रंग वो होगा, और इसकी जो करनी ये ख़राब सी हो रही है ना, इसको भी एक दिन साफ़ करनी है, तो बस एक दिन का काम हमारा किचन का और भी रह जाएगा। आवाज़ की दिक्कत थी, नहीं आवाज़ भी, हाँ मतलब ऐसा था इसकी आवाज़ से ना नीचे तक भी आवाज़ जा रही थी, इतनी तेज़ आवाज़ कर रहा था ये, मैं तो किचन में खड़ी होकर काम ही नहीं कर सकूं इसे चला के, हाँ मैं तो सब बंद करके जब करूं थी काम, हमारा मेरा बोल पिट गया, सब कट गया चारों तरफ से, हाँ यो रह गया, बाहर हो गया उधर से बाहर, हाँ रामराज की तरफ से ही बाहर हो गया,
अब भी तो चल रहा है। देख अपनी हो रही आवाज। अरे नया डल गया तो क्या आवाज है? अब तो बिल्कुल भी आवाज नहीं हो रही इसमें। और आपने ओ फ्रेंड, बस अभी एक ककर के जो है हम सभी माँ बेटा सारे के सारे मिलकर ना पेंटर बन गए हैं। तो आज अपना पेंट का काम भी संभाल लिया है, देखते हैं क्या होता है हमसे क्या नहीं होता है। वैसे लास्ट में आके ना हमारा ये कलर था ये बिल्कुल खिल गया था, बड़ा अच्छा मतलब पेंट करा हमने। मम्मी तो बोल रही थी, मम्मी ने कह रही थी तुम तो सारे काम करके छोड़ दोगे, पेंटर वेंटर सारे बनोगे। मैंने कहा मगर सही बात है, हमें ठेका ठाका सा दिवा दो कहीं को, हम भी अपना बिजी हो जाएंगे तो तारे घर में पैसे आ जाएंगे। तो यही हंसी मजाक चल रही थी, मम्मी कमरे में से बोल रही थी। तो मैं कह रही कि चलो ठेका तो हम ले लेंगे, तुम दीवाने वाले चाहिए। तो बस वंश भी करके चला गया था एक साइड में, फिर बोल रहा कि अब तुम कर लो दोबारा से। बस अब मैं कर रही हूँ, तो बस यही है अपना, कभी वंश कर लेता है कभी मैं कर लेती हूँ। नंबर वार से सबका वो हो जाएगा, सब बड़ा पेंटर पेंटर बाबू सारे बन लेंगे हम। फ्रेंड फाइनली मैंने जो है नीचे का जितना एरिया था सारे में पेंट कर दिया है नीचे तक बिल्कुल सही। और जो अब जो बाकी का काम बचा है वो है कल का, तो वो देखेंगे कल, क्योंकि इसके नीचे की साफ़ सफाई भी बहुत रह रही है, क्योंकि रंग हो गया है बहुत चार तरफ ना किनारों पर रंगी रंग गिर गया, तो वो सब करेंगे कल। और फ्रेंड अभी मुझे पीनी है चाय, तो चाय तो मैंने रख दी, गर्म हो जाएगी बस अब जाइए, क्योंकि मम्मी ने तो पी ली, मैं पेंट की वजह से रुकी हुई थी अभी, बस तो मैं अभी पी रही हूँ अभी गर्म करके, और फिर मम्मी के पास ही चलूँगी नीचे वहीं पीऊँगी। अभी हो रहा है शाम का टाइम, तो मैं बच्चों के लिए बनाने आई थी पीले वाले चावल, पुलाव भी बोल सकते हैं। तो ये ले लिया है मैंने कुछ खड़े मसाले, सब्जी है गोभी और मटर, ये मैंने काट के और मटर के दाने निकाल के अच्छे से वॉश करके यहाँ पर रख लिए हैं। ये प्याज और टमाटर है, और ये मैंने चावल जो है आधा घंटे पहले भिगो के छोड़ दिए थे, तो अभी इनको मैंने भी दो तीन बार साफ पानी में निकाल लिए हैं। तो बस अभी मैंने तेल चढ़ा दिया है और तेल भी हमारा अच्छे से हो गया है, तो अभी जो है इसमें हम लगाते हैं तड़का। मसाला जो है हमारा अच्छे से भून चुका है, अभी मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया पाउडर। धनिया पाउडर मैं दो चम्मच डालूंगी फिर, इसको भी जो है अच्छे से भून लेंगे। हल्दी मैं इसमें डालूंगी, क्योंकि जो व्हाइट वाले ही बनाने हैं तो हल्दी में डालूंगी बिल्कुल भी, और मिर्च भी थोड़ी सी कम ही डालूंगी, क्योंकि बच्चे बोल रहे थे कि थोड़ी सी डालिए, ज़्यादा तीखी नहीं डालूंगी, आधी सी चम्मच डालूंगी। सभी चीज़ें अच्छे से हम अभी भून लेंगे, उसके बाद में डालूंगी इसमें नमक। और मसाले हमारे सारे अच्छे से भून गए हैं बिल्कुल, तो अभी मैंने जो ये धो के लाई थी सब्जी ये डालूंगी पहले, क्योंकि थोड़ी सी देर में पकने के लिए छोड़ दूंगी, उसके बाद में चावल डालूंगी। पानी तो इसमें सब्जी के साथ चला ही गया था, थोड़ा सा पानी मैं इसमें और डाल दूंगी और इसे थोड़ी सी देर के लिए पकने के लिए छोड़ दूंगी। और फ्रेंड अभी 5 से 6 मिनट इसको हो गई है, तो अभी मैं इसको एक बार वीडियो में चेक कर लेती हूँ कि हमारी जो सब्जी थी ये कितनी पकी है कितनी नहीं। तो फ्रेंड ये 50% तो हो चुकी है, और अब ना मैं इनमें ये चावल डाल दूंगी जो धुले हुए चावल थे, क्योंकि 50% हमारी सब्जी जो है ये अच्छे से पक चुकी है और अभी जो है कुछ इनके साथ हो जाएगी। है मुझे इसमें बहुत ही थोड़ा सा ही पानी डालना होगा, क्योंकि कुछ पानी इसमें है भी, तो मैंने ऐसे ले लिया बिल्कुल 2 चमचे के करीब बस। और अभी से थोड़ी सी देर के लिए मैं इसे उगड़ी पकाऊंगी, क्योंकि मुझे ना
जब तक ये पानी में अच्छे से खद्दा लगा था, उसके बाद फिर मुझे एक बार फिर चलानी होगी और उसके बाद फिर गैस हम जो है डिम कर देंगे। तो अभी तो फुल फ्लेम पे है ये। तो फ्रेंड अभी बीच में ना मैंने एक बार ये चेक कर लिया है, बस अभी मैंने ना फ्लेम बिल्कुल लो कर दिया है और अभी बस एक बहुत ही हल्की सी सीटी लगानी है बस, ये फिर जो है भाप भाप में हो जाएगी। मैंने बिल्कुल स्लो कर दिया। तो फ्रेंड जो पुलाव है हमारा बिल्कुल तैयार है और आ जाइए आप भी, गर्मा गर्म पुलाव है, बच्चे बिल्कुल इंतजार कर रहे हैं, उनको देख के आ रही हूँ। तो आज के ब्लॉग पर मैं ये पैंट करती हूँ, आपसे मिलेंगे कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइए, और वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे, टेक केयर, बाय बाय।